क्या नाम है आपका? अमर सिंह। सही बताइए सर, ट्रैक्टर रैली निकल रही, किस रूप में निकल रही है? किसान हक में। क्या है इसमें, क्या है रैली का? किसान रैली है। क्या उद्देश्य इस रैली का? किसान हर एक चीज से परेशान है, लाइट से भी परेशान है, पानी से भी परेशान है, हर एक चीज से परेशान है। भाजपा सरकार चल रही है, भाजपा सरकार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। हाँ, कर रही है। उसी के लिए रैली निकाली। हाँ, क्या है इसमें, क्या मिलने वाला है आपको? इनको जैसे अन्नदान मिल रहा है किसानों को, सब कुछ मिल रहा है, पानी की सरकार सब कुछ बढ़िया दे रही है। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। कहाँ से आए? मैं लोहारा। खुश हैं आप सरकार? हाँ, खुश हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सुधीर पाल। कहाँ के हो? दमौरा के। कहाँ पे ले गया ट्रैक्टर? आए रैली में। किसकी रैली है? नरेंद्र मोदी जी ने करवाई। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 17 साल। ये किसान मोर्चा द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है किसान मोर्चा के तत्वाधान में, और इसके द्वारा हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश में आई है, प्रदेश में आई है, तब से लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी का एक ही सपना है कि किस तरह हम किसानों की आय दोगुनी करें, किस तरह जीरो बजट पर हम किसानों को खेती का बहुत सिखाएं। और खासतौर से बुंदेलखंड के मामले में तो ये है कि हमारे योगी आदित्यनाथ ने प्रण कर रखा है कि हम हर खेत को पानी दे के रहेंगे, और उसी के उपलक्ष में अभी अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन लोकार्पण किया गया है। और ये वादा हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि जब तक हम किसानों की आय दोगुनी नहीं कर देंगे, चैन की सांस नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसान हित में सदैव कार्य करती है और करती रहेगी, और ट्रैक्टर जलाने वाले किसानों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। जो ट्रैक्टर से प्रेम करते हैं वो किसान हितैषी हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसान हित में जो कार्य कर रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें, किसानों की सबसे बड़ी परियोजना अर्जुन सहायक परियोजना को शुरू करना, लाखों हेक्टेयर जमीन उससे सिंचित होना, गेहूं की खरीद, धान की खरीद, मूंगफली की खरीद, दलहन की खरीद, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार हुआ है। कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी रैली को संबोधित किया, उन्होंने कई वादे किए। देखिए, उन प्रियंका गांधी जी ने जो वादे किए हैं, जो उन्होंने बातें जनता के सामने कही हैं, उनको जनता ने 65 साल मौका दिया। 65 सालों तक उन्हें जनता की चिंता नहीं हुई, जनता के दुख और दर्द समझ में नहीं आए, उन्हें तब किसानों की तकलीफें समझ में नहीं आई, तब उन्हें किसान आत्मदाह करते हुए नहीं दिखा, तब उन्हें ये समझ में नहीं आया कि बुंदेलखंड में किसानों की, मजदूरों की क्या समस्याएं हैं। आज जब देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बुंदेलखंड की चिंता कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे से दिल्ली को जोड़ा, कैन बेतवा जैसी परियोजना ला रहे हैं, हर घर पे नल की व्यवस्था कर रहे हैं, आवास शौचालय की व्यवस्था कर रहे हैं, महिलाओं को चूल्हा दे रहे हैं, आज जब गरीबों को उनका हक मिलने लगा है, तब कांग्रेस के लोगों की जमीन खिसक गई है, तब उन्हें जनता की चिंता हो रही है। ये झूठे वादे हैं, कोई फायदा नहीं है। प्रियंका गांधी का कहना है आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले कर्जा माफ किया गया। जब भी दैवीय आपदाएं आती हैं तो किसान बीमा का पैसा मिलता है, इससे पहले कभी किसान बीमा का पैसा नहीं मिलता था। इससे पहले कभी भी बगैर सड़कें जाम किए, बगैर आंदोलन किए, कभी भी सूखा घोषित नहीं होता था, मुआवजे का पैसा नहीं मिलता था। आज किसानों को सड़कों पे उतरना नहीं पड़ता है, किसानों के हक की चीजें उन तक पहुंचाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। किसान जो रूठा हुआ ट्रैक्टर चला के, हम लोग सब किसान के बेटे हैं, हम लोग किसानों के बेटे हैं, हम लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, तो हम लोग ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं, हम लोग ये संदेश